गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, दिस इज योर चैप्टर 8, डम डम द बेबी एलिफेंट। द नेम ऑफ लेसन इज डम डम द बेबी एलिफेंट। यू हैव टू राइट हियर थर्ड टर्म, दिस इज योर थर्ड टर्म चैप्टर। ओके, थर्ड टर्म सिलेबस। ओके, वार्म अप, रिसाइट दिस पोयम। We say thank you, we say please and excuse me when we sneeze. That's the way we do what's right. We have manners, we are polite. We say thank you, we say please and excuse me when we sneeze. That's the way we do what's right. We have manners, we are polite. Yes children, when we get something, जब आपको कुछ मिलता है तो we will say thank you. आप बोलते हो ना thank you. और आपको कुछ चाहिए तो आप मम्मा से क्या बोलते हो? Please mama, give me one glass water. Okay? Now start your chapter. This is Dum Dum. Okay, see, this is baby elephant. Baby elephant, and its name is Dum Dum. ये जो elephant का आपको baby दिख रहा है, बच्चा दिख रहा है, इसका नाम है Dum Dum. इसका नाम ही है Dum Dum. और chapter का नाम क्या है? Dum Dum the baby elephant. मीन्स जो बेबी एलिफेंट है उसका नाम है डम डम. ओके, दिस इज डम डम, ही इज स्वीट एंड जेंटल. बेबी एलिफेंट, ये जो बेबी एलिफेंट है ये बहुत स्वीट एंड जेंटल है और इसमें बहुत मैनर्स हैं, ये क्रूअल नहीं है. ठीक है, बहुत क्यूट है. डम डम लाइक्स टू ईट एप्पल्स एंड मेलन्स. डम डम लाइक्स टू ईट एप्पल्स एंड मेलन्स, मीन्स जो बेबी एलिफेंट है उसको क्या पसंद है? एप्पल्स और मेलन्स. ऑन मंडे, ऑन मंडे डम डम सीज सम एप्पल्स, ही टेक्स एन एप्पल विथ हिज ट्रंक, ही ईट्स इट. व्हाट हैपेंड ऑन मंडे? मंडे को क्या हुआ? डम डम ने कुछ एप्पल्स देखे और उसने अपनी ट्रंक से उठाए और खा लिए. आई लाइक एप्पल्स, यम यम, सेज डम डम. और एप्पल उसने खा के उसने कैसे लगा उसको? ही सेड यम यम, मतलब मीन्स वेरी डिलीशियस. नाउ अ बॉय इन द शॉप, अ बॉय इन द शॉप सीज डम डम. हे दैट्स माय एप्पल, ही सेज. Dum Dum runs away. Yes, a boy in the shop sees Dum Dum. एक जो लड़का था दुकान पर, शॉप पर, उसने किसको देखा? Dum Dum को. और he said, Hey, that's my apple. ये मेरे एप्पल हैं, उस लड़के ने कहा. Dum Dum runs away. Dum Dum, Dum Dum, Dum Dum. जैसे ही डमडम ने उस बच्चे की आवाज़ सुनी तो वो वहाँ से भाग गया. ऑन ट्यूसडे, ऑन ट्यूसडे, मंडे को क्या हुआ? मंडे को डमडम ने एप्पल लेके शॉप से खा लिए. ऑन ट्यूसडे डमडम सीज अ मेलन. और ट्यूसडे को डमडम ने क्या देखा शॉप पर? मेलन. ही सेज आई लाइक मेलन्स, ही टेक्स अ बिग मेलन इन हिज ट्रंक, ही ईट्स इट यम यम. और उसने मेलन लिए ट्यूसडे को और ही एट इट, और उसने उनको खा लिया. द बॉय एंड द गर्ल इन द शॉप, द बॉय एंड द गर्ल इन द शॉप. अब जहाँ से एप्पल लिए थे और मेलन लिए थे तो वो किसकी शॉप थी? अ बॉय एंड अ गर्ल इन द शॉप. सी हिम, उन दोनों बॉय और गर्ल ने किसको देखा? डम डम. ओए दैट्स आर मेलन, ये हमारे मेलन हैं. दे से, और उन्होंने क्या कहा? डम डम रन सबे, और डम डम वहाँ से भाग गया. डम डम, डम डम, डम डम.
ओके, ऑन वेडनेसडे व्हाट हैपेंड ऑन वेडनेसडे? मंडे डमडम एट एप्पल एंड ट्यूसडे डमडम एट मेलन. ओके नाउ वेडनेसडे द बॉय एंड द गर्ल गो टू डमडम. द बॉय एंड द गर्ल गो टू डमडम. यू टेक आर एप्पल्स एंड आर मेलन्स सेज द बॉय. बॉय ने क्या कहा शॉपकीपर ने कि तुमने हमारे क्या ले लिया एप्पल्स एंड मेलन्स. बट यू डोंट से प्लीज. लेकिन अपने कुछ मांगते हैं तो क्या बोलते हैं प्लीज. बट यू डोंट से प्लीज एंड डोंट से एंड गर्ल सेज डोंट से सॉरी. और आपने तो सॉरी भी नहीं कहा सेज डमडम. अब उसको किसको डमडम को रियलाइज हुआ हिज मिस्टेक. उसको अपनी मिस्टेक रियलाइज हुई कि मैंने सॉरी भी नहीं बोला और प्लीज भी नहीं बोला. ऑन थर्सडे थर्सडे को क्या हुआ? ऑन थर्सडे डमडम गोज टू द एप्पल शॉप. ऑन थर्सडे डमडम गोज टू द एप्पल शॉप. प्लीज गिव मी एन एप्पल ही सेज. द बॉय स्माइल्स मीन्स ऑन थर्सडे को क्या हुआ? थर्सडे के दिन डमडम goes to the apple shop and he said please give me an apple. The boy smiles. This is your apple, take it. ye aapka apple hai, take it, says the boy. Thank you, said dum dum. Thank you, says dum dum. aur dum dum ne usse boy se thank you kaha. Okay, now on Friday what happened? On Friday On Friday, Dum Dum goes to the melon shop. Please give me a melon, he says. The boy and the girl smile. Here, this is your melon. They say, thank you, dear friends, says Dum Dum. Dum Dum was very happy. Dum Dum said, thank you, my dear friends. Yes, children, when we get something, we say, thank you. When you want something, you said, आपको क्या कहना चाहिए? यू शुड से प्लीज गिव मी. ओके यस. नाउ फिनिश योर चैप्टर. कीप लर्निंग कीप प्रैक्टिसिंग. ओके दिस इज योर कॉपी वर्क. ओके चिल्ड्रन यू हैव टू राइट ऑन द टॉप लेसन 8 डेट डम डम द बेबी एलिफेंट. ओके The name of chapter is Dum Dum, the baby elephant. Hard words: polite, manners, thank you, sweet, elephant, gentle, melons, Dum Dum, please. Trunk, sneeze, Monday, excuse me, and Tuesday. There are 14 dictation words. You have to write in your English copy. And first, you have written in your English copy third term. Okay. Then start your chapter. Now, question number second. Word meanings. First meaning is sorry. The meaning of sorry is feeling guilty. Trunk, an elephant's long nose. Gentle. Kind or soft. Okay. Now question number third. Make sentence. Yes, this is your question number third. Okay. Make sentences. Trunk. It has a long trunk. Second, please. Please sit down. Please take your apple. Apple. This is an apple. The apple is very sweet. Sweet. It is a sweet. It is a very sweet fruit. Okay. Now next. Question number 4. Answer the following questions. Question number 1. Who was Dum Dum? Who was Dum Dum? Answer is Dum Dum was a baby elephant. Dum Dum was a baby elephant. Now question number 2. What did he likes to eat? What did he like to eat? Answer is he loved to eat apples and melons. Now question number 3. What happened on Monday?
On Monday, Dum Dum saw some apples and ate it. Now, question number 4. What did Dum Dum do on Tuesday? Answer number 4. On Tuesday, Dum Dum saw melons and ate it. Now, question number 5. What did Dum Dum do on Friday? On Friday, Dum Dum says please and thank you. Children, all our question answer exercise you have to write in your English copy and learn it. Thank you.